तो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक हांगकांग हॉरर मूवी को देखा था जिसका नाम है ट्वाइलाइट ऑनलाइन। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी लाइन सच्ची घटनाओं पे आधारित है। असल में हांगकांग में 10 जुलाई 2003 सुबह के 6:45 पर एक बस ब्रिज से नीचे गिर गई थी और उस हादसे में 21 लोग मारे गए थे। इस हादसे से कुछ दिनों पहले एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी एक बिल्डिंग से कूदकर, और उस लड़की ने मरते वक्त लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इन दोनों घटनाओं पे हमारी आज की मूवी बेस्ड है और IMDb ने इस मूवी को 5 out of 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को 76% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ट्वाइलाइट ऑनलाइन मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है एक बस के बारे में जिसका ब्रिज से गिरने के बाद एक्सीडेंट हो गया था और उसमें 21 लोग मारे गए थे। हमें बताया जाता है कि वो बस तिंग काउ विलेज में गिरी थी और अब वो विलेज हॉन्टेड हो गया है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले एक बिल्डिंग में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। सीन उस लड़की पे जाता है जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो लड़की बालकनी से नीचे कूदकर मर जाती है। अब यहाँ से सीन जाता है कुछ दिन आगे और हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर गोया को। गोया के साथ होता है उसका असिस्टेंट चैन और वो दोनों उसी बिल्डिंग में आए हैं जिसमें लड़की ने खुदकुशी करी थी। हमें अब पता चलता है कि जिस रात से वो लड़की मरी है उसी रात से एक लड़की हर रोज बालकनी से नीचे कूद जाती है, पर पुलिस को किसी की लाश नहीं मिलती। कहने का मतलब वो लाल ड्रेस वाली लड़की मरने के बाद भी बार बार खुदकुशी कर रही है और इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गुया और चैन बिल्डिंग में आए हैं। अब चैन और गुया 10th floor पे जाते हैं जहाँ से वो लड़की कूदी थी और अचानक ही गुया को दिखाई देते हैं कुछ बच्चे जो रात के टाइम बाहर खेल रहे थे। गुया को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, पर जो कैमरामैन था उसे कोई भी बच्चे दिखाई नहीं देते और कैमरे में भी कुछ भी कैद नहीं होता। गुया को अब लगने लगता है कि ये पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है और अब गुया और चैन आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। एक औरत बताती है कि उस लड़की की आत्मा अभी भी बिल्डिंग में भटक रही है और तभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। अपार्टमेंट के दरवाजे अपने आप हिलने लगते हैं और गुया को एक शैडो दिखाई देती है। गुया और कैमरामैन अब उस परछाई का पीछा करते हैं और इस भगदड़ में गुया को कई बार वो लाल ड्रेस वाली लड़की दिखाई देती है, पर कैमरे में कुछ भी कैद नहीं होता। अब ये केस क्योंकि एक पैरानॉर्मल केस है तो पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और इसके बाद गुया और चैन वापस लौट जाते हैं। एलिवेटर में भी उन दोनों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है क्योंकि अचानक ही ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एलिवेटर 10th floor से आगे बढ़ता ही नहीं है, जिससे गुया और चैन बुरी तरीके से डर के भागते हैं। अब यहाँ से सीन जाता है तिंग काओ विलेज में और हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है एक पैरानॉर्मल एक्सपीडिशन टीम से, जिसमें होती हैं 4 स्कूल की लड़कियाँ जिनका नाम है वेंडी, कैरोल, एमी और किटी। इन चारों लड़कियों के साथ उनका टीचर होता है जिसका नाम है मिस्टर पोंग। इस टीम के लीडर का नाम है एडमंड जिसका दोस्त है किडो, और इन सबके साथ एक साइकिक भी होती है जिसका नाम है 3rd sister। ये सारे लोग एक टीवी शो के लिए इस विलेज में आए हैं भूतों को ढूंढने के लिए, और ये सब लोग सबसे पहले एक पुराने स्कूल में जाते हैं। स्कूल में 3rd sister एक रिचुअल करती है और वो एक लड़की की आत्मा को बुलाती है जिसका नाम है जिनी। अब ये सब लोग सिर्फ जिनी की आत्मा से बात क्यों करना चाहते हैं ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर रिचुअल के बाद 3rd sister को कुछ हो जाता है और जिनी की आत्मा उसके अंदर चली जाती है। जिनी की आत्मा अब पोंग से बातें करती है और हमें पता चलता है कि जिनी बस एक्सीडेंट में मारी गई थी और वो पोंग की गर्लफ्रेंड थी। खैर, इस सीन में 3rd sister की बेकार एक्टिंग से हम लोग समझ जाते हैं कि वो सिर्फ एक ढोंग कर रही है और उसने किसी आत्मा से कांटेक्ट नहीं किया है। पोंग को ये बात जल्द ही समझ आ जाती है और तभी लाइट चली जाती है। इस सब के बाद एडमंड का दोस्त किडो अचानक ही गायब हो जाता है और सब लोग जंगल में उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। किडो को ढूंढते वक्त भूतिया आग के गोले सब लोगों पे अटैक कर देते हैं और पूरा ग्रुप जंगल में इधर उधर बिखर जाता है।
एडमंड अपने टीवी शो की शूटिंग बिल्कुल भी नहीं रोकता और हम लोग समझ जाते हैं कि एडमंड असल में सब कुछ प्लान करके आया है ताकि वो मासूम लोगों को डरा सके और पैसे कमा सके। अब बचे हुए लोग एडमंड और थर्ड सिस्टर के साथ एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पे थर्ड सिस्टर झूठी प्रार्थना करना स्टार्ट करती है, पर तभी किटी और कैरोल के फ़ोन पे एक वीडियो आती है जिसमें एमी और मिस्टर पोंग एक साथ किस कर रहे थे। कैरोल अब एमी को फ़ोन लगाती है पर फ़ोन पे बस एक क्रीपी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो सब लोग अब जंगल में अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर अब साइकिक को ऐसा फील होता है जैसे असली जिनी की आत्मा जंगल में आ गई है। यहाँ से सीन जाता है वेंडी पे जो रोते हुए समंदर के किनारे खड़ी थी और मिस्टर पोंग बीच पर बेहोश पड़ा था। सीन वापस कैरोल, किटी, थर्ड सिस्टर और एडमंड पे जाता है और उन लोगों को जंगल में मिलती है एमी की लाश, जिससे सब लोग बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। उसी टाइम पे किटी को एक विजन आता है और वो देखती है कि मरने से पहले एमी को किसी ने बुरी तरीके से डरा दिया था और किटी को ये विजन इसलिए आया है क्योंकि उसके पास भी साइकिक पावर्स है। थर्ड सिस्टर एमी की लाश को देखकर समझ जाती है कि एमी की आत्मा बिल्कुल भी शांत नहीं है और यहाँ से सीन पास्ट में चले जाता है। दोस्तों, मेरे को पता है कि अभी मूवी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पर अब पास्ट में हमें सब कुछ धीरे धीरे समझ आएगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। पास्ट में सीन पूरे 48 घंटे पीछे जाता है और हम लोग देखते हैं एडमंड को, जिसके शो का नाम है ट्वाइलाइट ऑनलाइन। एडमंड का शो वो चारों स्कूल की लड़कियां देख रही थी और इस सीन में हमें पता चलता है कि वेंडी उसी खुदकुशी वाली बिल्डिंग में रहती है। वेंडी को अब शो में पता चलता है कि उस लाल ड्रेस वाली लड़की का नाम था नगाई और फिर एडमंड अपने टीवी शो में बताता है कि तिंगकाओ विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें एक लड़की की आत्मा घूमती है और उस लड़की की आत्मा ने भी लाल ड्रेस पहनी हुई होती है। यहाँ पे अब एडमंड प्राइमरी स्कूल की आत्मा को नगाई की आत्मा से कंपेयर करता है और दूसरी तरफ कैरोल एडमंड के शो को देखने के बाद इंटरनेट पे रिसर्च करती है। कैरोल को पता चलता है कि बस में एक लड़की मरी थी जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी और उस लड़की का नाम था जिनी। ये बात पता चलने के बाद कैरोल चौंक जाती है क्योंकि जिनी उसके टीचर पोंग की गर्लफ्रेंड थी। कैरोल ये बात तुरंत ही वेंडी को बताती है और वेंडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमें पता चलता है कि वेंडी मिस्टर पोंग से सीक्रेटली प्यार करती है और इसी वजह से वेंडी डिप्रेशन में है। अब टीवी शो में जैस्मिन नाम की लड़की एडमंड को तिंगकाओ विलेज में इन्वेस्टिगेट करने को बुलाती है और फिर एडमंड एक एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करता है जिसमें चारों स्कूल की लड़कियां जाने के लिए अप्लाई कर देती है। अब हमें दिखाते हैं किटी को जो शो देखने के बाद बस में जा रही थी, पर उसे दिखाई देने लगती है जिनी की आत्मा। जिनी की आत्मा किटी का गला दबाने लगती है और किटी के गले पे निशान पड़ जाते हैं। किटी अब देखती है कि उसकी बस तिंगकाओ विलेज से गुजर रही है और किटी समझ जाती है कि बस एक्सीडेंट के बाद भी जिनी की आत्मा विलेज में भटक रही है। अब अगली सुबह हमें दिखाते हैं गुया और चैन को, जहाँ पे चैन को पता चलता है नागाई की खुदकुशी के बारे में। चैन गुया को बताता है कि जब से नागाई मरी है तब से उसकी बिल्डिंग हॉन्टेड हो गई है और हर रात को नागाई की आत्मा बालकनी से कूद जाती है। गुया को लगता है कि शायद नागाई की आत्मा को मदद चाहिए और इसलिए वो फैसला करता है नागाई की मौत का रीज़न पता लगाने का। इन्वेस्टिगेशन करते करते गुया और चैन पहुंचते हैं नागाई के घर पे, जहाँ पे गुया कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस करता है और दूसरी तरफ वो चारों स्कूल की लड़कियाँ मिस्टर पोंग को बताती हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड जिनी की आत्मा विलेज में भटक रही है। बच्चों की बातों से मिस्टर पोंग को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और मिस्टर पोंग भी ट्वाइलाइट ऑनलाइन शो में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिखाते हैं एडमंड की टीम को जो प्लान कर रही थी कि रात को एक्सपेडिशन पे आ रहे लोगों को कैसे डराना है, और दूसरी तरफ गुया को दिखाते हैं जो एक साइकेट्रिस्ट से बातें कर रहा था। हमें पता चलता है कि गुया को इंसोमिया की बीमारी है और वो दो दिन से नहीं सोया है। इसके बाद गुया मिलता है मिस्टर पोंग से और असल में ये दोनों दोस्त हैं। मिस्टर पोंग गुया को बता देता है कि वो आज रात को एक पैरानॉर्मल एक्सपेडिशन में जा रहा है और मिस्टर पोंग से मिलने के बाद गुया चैन के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करता है।
अब इन्वेस्टिगेशन में गुया और चैन नागाई के एक्स हस्बैंड को पकड़ लेते हैं क्योंकि पुलिस को शक था कि नागाई ने खुदकुशी नहीं करी बल्कि नागाई का मर्डर उसके पति ने किया है ताकि वो इंश्योरेंस के पैसों को ले सके। नागाई का एक्स हस्बैंड अब बताता है कि उसने नागाई से सालों से बातें नहीं करी थी पर वो नागाई से मिलने के लिए गया था क्योंकि नागाई की आंटी मर गई थी पर नागाई ने मिलने की जगह अपने एक्स हस्बैंड के सामने ही खुदकुशी कर ली। ये बात पता चलने के बाद गुया सोचता है उस जगह जाने की जहाँ नागाई ने खुदकुशी करी थी और फिर गुया और चैन जाते हैं उस बिल्डिंग में। अब बिल्डिंग में जो भी उन दोनों के साथ होता है वो हम ऑलरेडी मूवी की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। सीन यहाँ से जाता है तिंगकाओ विलेज पे जहाँ पे हमें पता चलता है कि किडो ने ही स्कूल की बिजली काट दी थी और फिर वो वहाँ से भाग गया था जिससे सबको लगा था कि वो गायब हो गया है। अब इसके बाद जब सब लोग जंगल में खो गए थे तो एमी ने मिस्टर पोंग को किस करने की कोशिश करी थी पर मिस्टर पोंग ने एमी को दूर कर दिया था। ये सब कुछ वेंडी ने रिकॉर्ड कर लिया था और वेंडी ही वो लड़की है जिसने वीडियो को कैरोल और किटी को भेजा था। वेंडी इसके बाद एमी और मिस्टर पोंग के पास चली गई थी और फिर एमी ने मिस्टर पोंग को चाटा मारा था और वो वहां से चली गई थी। मिस्टर पोंग को अब समझ आ गया था कि वो चारों लड़कियां मिस्टर पोंग के साथ खिलवाड़ कर रही है पर तभी जिनी जैसी दिखने वाली एक लड़की मिस्टर पोंग और वेंडी के पास आई थी और मिस्टर पोंग उस लड़की के पीछे भाग गया था। वो लड़की मिस्टर पोंग को नदी के पास ले गई थी और उस लड़की का नाम था जैस्मीन और जैस्मीन तिंगकाओ विलेज में ही रहती है। मिस्टर पोंग को जैस्मीन को देखकर जिनी की याद आई थी पर जैस्मीन मिस्टर पोंग को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताकर वहां से चली गई थी। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं एमी को और अब हमें पता चलता है कि एमी के साथ क्या हुआ था। एमी जंगल में भटकते भटकते एक घर के पास पहुंची थी और जो लड़की एडमंड के शो में भूत बनने का नाटक कर रही थी उस लड़की ने एमी को इतनी बुरी तरीके से डरा दिया था कि एमी एक ढलान से नीचे गिर गई थी। ढलान से गिरने के बाद एमी मारी गई थी और एमी के मरते ही उसकी आत्मा ने लोगों को डराना शुरू कर दिया था। और अब यहाँ से सीन जाता है बीच पे जहाँ पे हमें पता चलेगा कि वेंडी और मिस्टर पोंग के साथ क्या हुआ था। हम लोग देखते हैं कि वेंडी ने मिस्टर पोंग को बता दिया था कि वो उससे प्यार करती है पर मिस्टर पोंग ने वेंडी के प्यार को ठुकरा दिया था। वेंडी पागलों की तरह इसके बाद रोने लग गई थी और उसी ने मिस्टर पोंग को गुस्से में मार के बेहोश कर दिया था। ये सब कुछ उस लड़की ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था जो एडमंड के शो में भूत बनी है और फिर इसके बाद वेंडी ने समुंदर में कूद कर खुदकुशी कर ली थी। तो दोस्तों ये सब हुआ था उस काली रात को और अब इसके बाद अगले दिन क्राइम सीन पे पुलिस आती है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं गुया और चैन और उन्हें पहले मिलती है एमी की लाश। एडमंड की टीम एमी की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताती और फिर गुया और चैन मिलते हैं मिस्टर पोंग से। पुलिस को पता चल जाता है कि वेंडी ने खुदकुशी क्यों करी और फिर जब सब लोगों से पूछताछ करी जाती है तो एडमंड की टीम को दिखाई देती है एमी की आत्मा। एमी की आत्मा से डरने के बाद एडमंड की टीम बता देती है कि एमी की मौत कैसे हुई और फिर पुलिस को लगता है कि ये केस सॉल्व हो गया पर ये केस तो बस अभी अभी शुरू हुआ है। अब सब लोगों के जाने के बाद गुया चैन से बातें कर रहा था कि तभी उसकी साइकेट्रिस्ट वहां पे आती है और वो गुया को उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बोलती है। खैर साइकेट्रिस्ट के जाने के बाद अचानक ही गुया की आंख लग जाती है और उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें नागाई की आत्मा गुया को बुरी तरीके से डरा देती है। गुया जाग जाता है पर वो चौंक जाता है ये देखकर कि वो ऑफिस में नहीं है बल्कि वो नागाई की बिल्डिंग के सामने पहुंच गया है। चैन अब गुया को बताता है कि गुया ही गाड़ी चलाकर यहाँ पे आया है पर गुया को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। गुया और चैन अब एक बार फिर से 10th फ्लोर पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं और गुया इस बार नागाई को कूदता हुआ देख लेता है। गुया नागाई को रोकने की कोशिश करता है पर नागाई उसे बुरी तरीके से डरा देती है। अब यहाँ पे गुया के सामने नागाई अपने इंसानी रूप में आती है जिससे गुया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो आत्मा नागाई की नहीं जिनी की होती है।
गुया समझ जाता है कि इतने दिनों से जिस आत्मा को वो नागाई की आत्मा समझ रहा है वो नागाई की नहीं है, वो आत्मा असल में जिनी की आत्मा है। पर जिनी इस बिल्डिंग में आखिर क्या करने आई है, ये बात गुया को अभी समझ नहीं आती, क्योंकि जिनी तो बस एक्सीडेंट में मारी गई थी, ना कि इस बिल्डिंग में। अब आगे चलने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि नागाई की आत्मा इस मूवी में कहीं भी नहीं है। नागाई बस एक लड़की थी जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर उसकी आत्मा बिल्डिंग में नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग में आत्मा है वो जिनी की है। पर जिनी तिंगकाउ विलेज से बिल्डिंग में क्यों आई है ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ये बात पता चलने के बाद गुया और चैन वापस बैठते हैं गाड़ी में, जहाँ पे चैन गुया को बताता है कि शायद जो जिनी की आत्मा है वो गुया से मदद मांग रही है। सीन यहाँ से किटी पे जाता है, जिसे जिनी की आत्मा फिर से एक विजन दिखाती है, और सीन जाता है पास्ट में। हम लोग अब देखते हैं कि जिनी भी एक स्कूल टीचर थी और क्लास की एक लड़की मिस्टर पोंग से सीक्रेटली प्यार करती थी, बिल्कुल वेंडी की तरह। उस लड़की को जिनी से जलन होती थी क्योंकि जिनी मिस्टर पोंग की गर्लफ्रेंड थी, और उसी जलन की वजह से उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। ये सारी बातें अब किटी को पता चल जाती है और उसके शरीर पे और ज़्यादा चोट के निशान आ जाते हैं। किटी समझ जाती है कि जिनी कुछ बातें बोलना चाहती है, और जो भी वो बताना चाहती है वो सारी बातें मिस्टर पोंग से रिलेटेड है। ये सारी बातें किटी अब हर जगह इंटरनेट पे फैला देती है, और ये बातें जैसे ही गुया को पता चलती है वो जाता है मिस्टर पोंग से मिलने। मिस्टर पोंग अब गुया को सच बता देता है कि अब तक उसकी वजह से स्कूल की दो स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुकी है, और अब क्योंकि ये बात सबको पता चल गई है तो उसे काम से भी निकाल दिया गया है। मिस्टर पोंग ये भी बता देता है कि उसे आजकल वेंडी दिखाई दे रही है, जिसे मिस्टर पोंग को और ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता है। मिस्टर पोंग से मिलने के बाद गुया वापस ऑफिस जाता है, और अब उसके पास आती है उसकी साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट अब गुया से पूछती है कि उसका असिस्टेंट कहाँ पे है, पर गुया को नहीं पता था कि चैन कहाँ पे है। अब साइकेट्रिस्ट कंप्यूटर पे एक फाइल खोलती है जिससे गुया के होश उड़ जाते हैं। गुया देखता है कि चैन तो काफ़ी टाइम पहले मर चुका है, और चैन की मौत गुया के सामने ही हुई थी। इस बात से गुया को सदमा लग जाता है, और वो समझ जाता है कि इतने टाइम से वो चैन की आत्मा के साथ घूम रहा था। सीन जाता है मिस्टर पोंग पे, जो पहुंचता है वेंडी के घर। घर पे वो वेंडी की माँ से माफ़ी मांगता है, पर वेंडी की माँ बहुत अजीब बिहेव करती है, और वो मिस्टर पोंग को जल्दी से जल्दी जाने के लिए बोलती है। मिस्टर पोंग अब वेंडी के घर से चले जाता है, पर हम लोग वेंडी की डरावनी आत्मा को मिस्टर पोंग के पीछे देख पाते हैं। मिस्टर पोंग अब जब अपने घर पहुंचता है तो लाइट चली जाती है, और वेंडी की आत्मा पोंग को बुरी तरीके से डरा देती है। हम लोग समझ जाते हैं कि वेंडी की आत्मा पोंग को मारना चाहती है, और अब वेंडी पोंग को अपने साथ वश में करके ले जाती है। दूसरी तरफ हमें गुया को दिखाते हैं, जिसे अब लगता है कि शायद उसके पास साइकिक पावर्स हैं, और इसी वजह से वो भूतों को देख सकता है। गुया को अब पोंग की तरफ से एक मैसेज आता है, जिसमें पोंग ने लिखा था कि वो मरने के लिए जा रहा है। गुया अब समझ जाता है कि जिनी की आत्मा वापस इसलिए आई है ताकि वो पोंग की जान बचा सके, और अब गुया तुरंत ही भागता है। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं वेंडी की माँ को, जो अपनी बेटी को भगाने के लिए कुछ रिचुअल करने लगती है। दूसरी तरफ गुया 10th फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे पोंग रेलिंग पे बैठा हुआ था और वेंडी की आत्मा उसे मारने वाली थी। अब इससे पहले वेंडी पोंग को मार पाती, वेंडी की माँ रिचुअल पूरा कर देती है, और वेंडी की आत्मा को शांति मिल जाती है। गुया पोंग को बचा लेता है, और पोंग को कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे पहुँच गया। खैर, इसके बाद हम लोग समझ जाते हैं कि जिनी की आत्मा बिल्डिंग में इसलिए आई थी क्योंकि वो जानती थी कि वेंडी पोंग को मारने की कोशिश करेगी, और इसलिए जिनी हर रात 10th फ्लोर से नीचे कूद जाती थी ताकि वो लोगों को बता सके कि वेंडी की आत्मा पोंग को कैसे मारने वाली है। खैर, एंड में ये बातें गुया को समझ आ गई थी, और उसने अब पोंग को बचा लिया था। हम लोगों को अब उस बस एक्सीडेंट को दिखाया जाता है जिसमें जिनी मारी गई थी, और मूवी के एंड में पोंग जिनी की सारी चीज़ों को जला देता है ताकि जिनी की आत्मा को शांति मिल जाए।
अब इसके बाद गोया की साइकेट्रिस्ट गोया को बताती है कि उसे स्काइरोफ्रेंजिया नाम की एक बीमारी है और इसलिए ही उसे भूत दिखाई दे रहे हैं। पर गोया अब जानता था कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं और एंड में वो अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ट्वाइलाइट ऑनलाइन मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पर फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।